सफ़र इंजॉय करते रहे मेरे साथ साथ। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही हूँ। एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की है यहाँ के एयरपोर्ट ने, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट वालों ने यहाँ पे पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट करते हुए पाकिस्तान कल्चर का ट्रेडिशन मतलब दिखाया है, जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग है और बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको दिखा मेरी फ़्लाइट यहाँ इस्लामाबाद लैंड हुई है 12 बजे के करीब, और अभी यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा है और इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैनडेमिक सिचुएशन कोरोना की वजह से मेरे ख्याल से। कुछ टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय पी ली जाए, तो भाई ताज़ा चाय बना के दे रहे हैं। इस्लामाबाद चाय होटल है निकम। जैसे कि आप लोग वीडियोस देखते रहे, ड्राइवर के ऑफिस से हम लोग 3 बजे रवाना हुए और अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं मालागढ़। फजर की नमाज़ अदा की है हमने यहाँ पे। 3 से 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद इस जगह पे पहुँचे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है।
अब नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करके डायरेक्ट हम लोगों ने थल के लिए रवाना होना है। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी खैर वहाँ पहुँचे नहीं हैं, थल पहुँचे नहीं हैं और हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए सारे मुसाफिरों को बाहर निकाला है और हम बस थल के बिल्कुल करीब ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग अभी थल पहुँचने ही वाले हैं, रास्ते में नमाज़ की ब्रेक है और बहुत ज़बरदस्त जगह मिली है, तो एक बहुत ज़बरदस्त जगह दिखी है, वहाँ पर उतर के वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग नीचे जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वुज़ू करना है हमें और सामने कम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग जहाँ तक वैन का एक्सेस हो सकता था वहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे जीप में जाने का रास्ता है
अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अभी अभी जीप का सफ़र ख़त्म हुआ है और मेरे पीछे ही जीप खड़ी हुई है, कुमरात वैली पे पहुंचा दिया है। व्यू आपके सामने है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं दरिया के आगे खड़ा हूँ। ये कुमरात का दरिया है जो कि बड़ी तेज़ी से बह रहा है और मैं आपको इसका दूसरा व्यू दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल रात हम लोग इधर पहुंच चुके थे, उसके बाद एक जश्न पे गए थे। अभी हम कुमरात में खड़े हुए हैं और ये वादी कुमरात है। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है और सफ़र तो बहुत मुश्किल था जीप से ऑल ओवर अराउंड, मगर यहाँ पहुँच के सारी थकन दूर हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही घने जंगलात हैं चारों तरफ। इसके बाद भी हम लोग बहुत ही घने पहाड़ भी हैं, इसके बाद हमने यहाँ से जहाज़ बंदा जाना है जो कि ट्रैकिंग के बाद ही हम जा सकते हैं। 2 घंटे का सफ़र है जीप का, उसके बाद हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। 2 से 3 घंटे का सफ़र है। कल हम यहाँ पे शाम में पहुँचे थे, यहाँ पे घने जंगलात हैं और बहुत ही बुलंद पहाड़ हैं चारों तरफ देख सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और जैसे कि आप लोग व्यू ये देख सकते हैं, यहाँ पे आवाम भी बहुत कम है और सुबह सुबह का टाइम है। मुझे लगता है ऐसा व्यू आप लोगों को किसी और व्लॉग में दिख रहा होगा।
भी ज़रूरत तो उसको पैसे दे देंगे, वो सामान वगैरह लोड कर देगा वो। बल्कि इनके साथ तस्वीर बनवा इसके साथ पिक क्या बना रहे हो आमलेट 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 है आमलेट कौन सा आमलेट है यही है बस आ जाओ नाश्ता आ जाओ नाश्ता हमारे पास का तो क्यों ना चलो हां विशाला हां विशाला बोल 45 दफा बड़ा ना राज चल रहा अब 10 ही करना दा पाउडर लगा का देख ऐसे का आ बनी नहीं हो तैयार रे ऊपर यार तो ढेर मजेदार जुड़ गया था दादा ढेर जाते हैं ज्यादा ये खाने में ये भाई खाने में बहुत टेस्टी होते हैं अच्छा ये जो बना रहे हैं पराठा ही है तो इसने सही नहीं बनाए ये होता है बहुत मजा करते हैं ये होता है पराठा टाइप लेकिन ये नरम होता है पराठे से अच्छा इसको हमारे पठानी में वेशला बोलते हैं जो है ना अच्छा ऐसे इसको इस पे डाल के ये तो अभी गरम नहीं हुआ इसी वजह से इसने सही नहीं अच्छा समझ गया मालपुर मालपुर अभी हम ऐसे बेदाने बना रहे हैं दाती ने गरम कड़ुंबे हां सीधा सम गरम से तेल गरम सीधा ना बेदाने का ब्याप सही जोड़े हां बहुत शुक्रिया सही यार मेहरबानी नाश्ता बुक करो क्या हां मेहरबानी मेहरबानी यार आपने बोल दिया पराठा अपना नहीं नहीं मैं नहीं कहूँगा मैं तो नहीं कहूँगा वहाँ पे अगर उन लोगों ने बनाया उसको अच्छा अस्सलाम वालेकुम हम लोग कुमरात वैली से निकलने लगे हैं और हम लोग जहाज़ बंदर जाने के लिए रवाना होने लगे हैं